हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल, जिसे आप ब्रेकफास्ट पे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेड रोल बनाना। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 5 ब्रेड स्लाइसेस, उबले हुए आलू, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। मसालों में मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ही मैंने गरम मसाला यूज किया है और थोड़ी सी हींग। ब्रेड रोल्स को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए ऑयल। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, जो हमने मसाले लिए थे उन सभी मसालों को डाल देंगे, नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रोल के लिए भरने के लिए हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के किनारे हम निकाल देंगे। सारे ब्रेड्स के किनारे हमने निकाल लिए हैं। अब हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे। ब्रेड को हम पानी में हल्का सा भिगो लेते हैं और इसका पानी निकाल देंगे हथेली की सहायता से। अब इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। इसको भी हम गोल आकार देते हुए इस तरह से दबा के गोल बनाते जाएंगे। देखिए, ब्रेड रोल हमारा तैयार है। बाकी के ब्रेड रोल भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ब्रेड रोल हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, तेल में डाल देते हैं। और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ब्रेड रोल को हल्का पलट के देख लेते हैं और इसे आप मीडियम गैस पे ही फ्राई करें, जिससे आपके बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे ये ब्रेड रोल्स। सभी ब्रेड रोल्स को पलट देते हैं। ब्रेड रोल हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।